नमस्कार दोस्तों, चंद्रयान 3 के ऐतिहासिक सक्सेस को 2 हफ्ते भी पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन इसरो एक बार फिर से इतिहास रचने जा रहा है। आदित्य L1 मिशन, आज इसरो की नजर चांद पर नहीं बल्कि सूरज की तरफ है। आइए समझते हैं इस मिशन को गहराई से आज के इस वीडियो में। आदित्य L1 इंडिया का पहला मिशन है जो स्पेसिफिकली सूरज को स्टडी करेगा, लेकिन जैसे चंद्रयान चांद पर लैंड किया था वैसे आदित्य सूरज पर लैंड नहीं करेगा बल्कि दूर से ही सूरज को जांचेगा। इनफैक्ट ये स्पेसक्राफ्ट धरती के ज्यादा करीब होगा सूरज से मिशन के दौरान। स्पेसिफिकली कहा जाए, लॉन्च होने के बाद ये धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर जाकर लगरांज पॉइंट L1 के अराउंड एक हेलो ऑर्बिट में घूमेगा। उस पॉइंट तक पहुंचने में इसे लॉन्च से करीब 4 महीने का समय लगेगा, और एक बार वहां पहुंच गया तो 5 साल तक ये वहीं रहकर सूरज को ऑब्जर्व करेगा। इसलिए सिर्फ एक स्पेसक्राफ्ट नहीं बल्कि एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी भी है। अब सबसे पहला सवाल आपके मन में यहां पर आएगा कि आखिर ये लगरांज पॉइंट क्या होता है। लग्रांज पॉइंट्स दोस्तों वो अनोखे पॉइंट्स हैं स्पेस में जहां पर 2 सेलेस्टियल बॉडीज का ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस आउट करता है। सूरज और धरती को अगर हम यहां कंसिडर करें तो 5 लग्रांज पॉइंट्स बनते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि ये 5 लग्रांज पॉइंट्स कहां पर लाए करते हैं। ये वो पॉइंट्स हैं जहां पर अगर हम कोई स्पेसक्राफ्ट भेजेंगे तो स्पेसक्राफ्ट का ऑर्बिटल मोशन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, धरती और सूरज के ग्रेविटेशनल फोर्सेस से कैंसिल आउट कर जाएगा। इसका फायदा क्या हुआ, हमें स्टेबिलिटी मिलती है। जो भी स्पेसक्राफ्ट हम लग्रांज पॉइंट पर भेजेंगे हमें ऑलमोस्ट कोई एफर्ट नहीं करना पड़ेगा उस स्पेसक्राफ्ट को उस पॉइंट पर बनाए रखने के लिए। स्पेसक्राफ्ट का फ्यूल बचेगा और वो स्पेसक्राफ्ट धरती की सन के अराउंड रेवोल्यूशन के साथ साथ गोल गोल घूमता रहेगा। इससे ज्यादा लंबे मिशंस भी किए जा सकते हैं। दूसरा फायदा है कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन। लग्रांज 1 यानी L1 पॉइंट का अगर हम एग्जांपल ले यहां पर, जो भी चीज हम वहां L1 पॉइंट पर भेजेंगे वो कंटिन्यूसली ऐसी पोजीशन में रहेगी जहां से धरती और सूरज दोनों को देखा जा सके, और कभी भी एक दूसरे की शैडो में सूरज या धरती छुपेंगे नहीं। खुद ही सोचकर देखो, जब हम किसी स्पेसक्राफ्ट को लूनर ऑर्बिट में भेजते हैं जैसे चंद्रयान को भेजा था, या फिर अर्थ के ऑर्बिट में भेजते हैं, चांद के अराउंड गोल गोल घूमने से धरती बीच बीच में छुप जाती है, ऐसे ही धरती के अराउंड गोल गोल घूमने से भी सूरज छुप जाएगा। इसलिए लग्रांज पॉइंट्स इतने जरूरी हैं और आदित्य L1 को L1 पोजीशन पर प्लेस किया जाएगा। यहीं से ही इसका नाम आया है आदित्य L1। इससे पहले भी जो बाकी और स्पेस एजेंसीज ने सोलर ऑब्जर्वेटरीज भेजी हैं उन्हें L1 पर प्लेस किया गया है, जैसे कि सोलर एंड हीलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी, शॉर्ट में सोहो। ये एक जॉइंट मिशन था नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। L1 और L2 सबसे इंपॉर्टेंट लग्रांज पॉइंट्स हैं क्योंकि वो धरती के सबसे करीब हैं। जो फेमस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है उसे L2 पॉइंट पर प्लेस किया गया है। गेस कर सकते हो क्या कारण है, इसकी बात मैंने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप वाले वीडियो में भी करी थी। L2 पॉइंट पर धरती सूरज को छुपाकर रखेगी अपने पीछे, और क्योंकि इस टेलीस्कोप को लाइट ईयर्स दूर देखना है यूनिवर्स की गहराइयों में, सूरज की रोशनी को छुपाना जरूरी है ताकि कोई इंटरफेरेंस ना आ सके, इसलिए L2 पॉइंट यहां चुना गया। लेकिन आदित्य L1 पर वापस आए तो सूरज के बारे में क्या स्टडी करेगा, ये समझने के लिए पहले हमें सूरज के बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा। हमारे सोलर सिस्टम का सन, इसका डायमीटर करीब 109 गुना ज्यादा बड़ा है धरती के डायमीटर से। वजन में ये 3,33,000 गुना ज्यादा भारी है धरती के कंपैरिजन में। और अगर आपको विजुलाइज करना है सूरज के साइज को धरती के साइज के कंपैरिजन में, तो इस एनिमेशन को आप देख सकते हो। 1.3 मिलियन अर्थ्स एक सन के अंदर फिट हो सकती हैं। जैसे धरती के अंदर अलग अलग लेयर्स होती हैं, कोर, मेंटल, क्रस्ट, ऐसे ही सन के अंदर भी अलग अलग लेयर्स होती हैं। सबसे अंदर सूरज के भी एक कोर मौजूद है। इस कोर के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन के रिएक्शंस होते हैं जहां पर हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस को एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। इसी एनर्जी से सनलाइट पैदा होती है और गर्मी निकलती है जो हमें धरती पर भी महसूस होती है। कोर का टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। इसके एकदम बाहर है रेडिएटिव जोन। 70% सन का रेडियस रेडिएटिव जोन से बनता है। फिर आती है कन्वेक्टिव जोन, अप्रोक्सीमेटली 30% सन का रेडियस। यहाँ एनर्जी ट्रांसफर कन्वेक्शन के थ्रू होता है इसलिए इसको ये नाम दिया गया है। इसके बाद आता है सन का सरफेस जिसे हमने नाम दिया है फोटोस्फीयर। इवन दो हम इसे सरफेस कहते हैं लेकिन असलियत में सन का कोई वैसा सरफेस नहीं होता जैसे धरती का सरफेस होता है, क्योंकि वहां सिर्फ गर्म गैसेज और प्लाज्मा मौजूद है। तो इसे सूरज की एटमोस्फेयर की लोएस्ट लेयर भी कहा जाता है। यहाँ पर तापमान काफी हद तक ठंडा हो जाता है, 5,500 डिग्री सेल्सियस। इसके ऊपर आती है क्रोमोस्फीयर की लेयर जहां पर तापमान बढ़ने लगता है,
6000 डिग्री सेल्सियस से शुरू होता है और ऊपर तक पहुंचते पहुंचते 20000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। फिर एक पतली सी लेयर है ट्रांजिशन रीजन नाम से, और उसके बाद सन की सबसे आउटर मोस्ट लेयर आती है जिसे कोरोना कहा जाता है। इस वाले कोरोना का उस कोरोना वायरस से कुछ भी लेना देना नहीं है। कोरोना की लेयर में बहुत गर्म प्लाज्मा मौजूद होता है, 1-3 मिलियन डिग्री सेल्सियस। एक सवाल यहाँ आपके मन में आएगा कि आखिर क्या कारण कि सन का कोर इतना गर्म है लेकिन सरफेस ठंडा हो जाता है और फिर कोरोना वाली लेयर फिर से इतनी गर्म हो जाती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबकी तारीफ करना चाहूंगा कि आप अपना टाइम ऐसे एजुकेशनल वीडियोस देखने में लगा रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करने के हजारों तरीके हैं, लेकिन ऐसे वीडियोस से आपकी नॉलेज बढ़ती है। ये आपके टाइम का सही इन्वेस्टमेंट है। ऐसे ही अगर आप अपने टाइम को बेहतर मैनेज करने की अल्टीमेट टेक्निक सीखना चाहते हैं मुझसे, तो मेरे टाइम मैनेज कोर्स को ज्वाइन करके देखिए ध्रुव राठी एकेडमी पर। ये एक बड़ा ही प्रैक्टिकल कोर्स है जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप सीक्रेट टेक्निक सिखाता हूं जिन्हें मैं अपनी जिंदगी में खुद इस्तेमाल करता हूं। इसे कंप्लीट करने के बाद आप अपनी पढ़ाई में और काम में एक जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। जिन हजारों लोगों ने कोर्स लिया है उनका भी यही कहना है। ज्वाइन करते वक्त कूपन कोड SUN42 इस्तेमाल कीजिए 42% ऑफ पाने के लिए इस कोर्स पर, आप में से पहले 400 लोगों के लिए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और इस QR कोड को स्कैन करके भी आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से जाकर ट्राई कर सकते हैं। और अब वीडियो के टॉपिक पर वापस आते हैं। आखिर क्या कारण कि सन का कोर इतना गर्म है लेकिन सरफेस ठंडा हो जाता है और फिर कोरोना वाली लेयर फिर से इतनी गर्म हो जाती है? ये सवाल अभी भी एक मिस्ट्री है साइंटिस्ट के लिए। हो सकता है आदित्य L1 का स्पेस मिशन यहां कुछ राज खोलेगा। साइंटिस्ट ने अपनी अलग अलग थ्योरीज बनाई है इसके पीछे रीजनिंग को लेकर, लेकिन फॉर श्योर कोई भी अभी नहीं जानता है कि एग्जैक्ट रीजन क्या है। जब हम सूरज को धरती से देखते हैं तो यूजुअली हमें फोटोस्फीयर की लेयर दिखती है, लेकिन जब सोलर एक्लिप्स होता है तो एक रेडिश ग्लो हमें दिखता है सोलर एक्लिप्स के अराउंड, तो वो क्रोमोस्फीयर की लेयर होती है। और टोटल सोलर एक्लिप्स में वो लेयर भी छुप जाती है और सिर्फ कोरोना की लेयर दिखती है। बहुत ही फेंट सा एक हेलो टाइप का बन जाता है सन के अराउंड। आदित्य L1 का मिशन है सन की ऊपर की 3 लेयर्स को स्टडी करना, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना। लेकिन सूरज से लाखों किलोमीटर दूर आखिर ये किया कैसे जाएगा? इस पर मौजूद इंस्ट्रूमेंट्स की बात करने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि सूरज से क्या क्या चीजें बाहर निकलती हैं। सबसे पहले हीट और लाइट तो हम सब जानते हैं कि सूरज से निकलती है, ये तो बड़ा ऑब्वियस है। इसके अलावा सूरज से हर प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलती है। इसमें ना सिर्फ हमारी विजिबल लाइट जो हमें आंखों से दिखती है, बल्कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यूवी रेज जिसकी वजह से स्किन कैंसर हो सकता है, इंफ्रारेड रेडिएशन, रेडियो वेव्स, एक्स रेज, गामा रेज। ये एक्स रेज और गामा रेज भी बहुत हार्मफुल रेडिएशन होती है, लेकिन हमारी धरती की एटमॉस्फेयर इनसे प्रोटेक्ट कर लेती है हमें। लेकिन इन सब के अलावा सूरज से निकलती है सोलर विंड। सोलर विंड बेसिकली एक बहुत बड़ा बहाव है चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का। ये सोलर विंड जब धरती की मैग्नेटिक फील्ड से इंटरैक्ट करती है तो हमें नॉर्दर्न लाइट्स देखने को मिलती है। यही सुंदर सी रोशनी आसमान में जो स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड जैसे देशों में देखने को मिलती है। इस पर मैंने एक व्लॉग भी बनाया था, अगर नहीं देखा है लिंक डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा सूरज से निकलते हैं कोरोनल मास इजेक्शंस, CMEs। ये सोलर विंड और मैग्नेटिक फील्ड्स के बहुत बड़े बर्स्ट्स होते हैं। फिर निकलते हैं सूरज से कभी कभार सोलर फ्लेयर्स, जो लाइट और एनर्जी के बड़े इंटेंस फ्लैशेस होते हैं। कई साइंस फिक्शन फिल्मों में अक्सर सोलर फ्लेयर्स का मेंशन किया जाता है, जैसे कि 2012 या नोइंग जैसी फिल्में, जिनमें एक भयंकर सोलर फ्लेयर निकलता है जिसकी वजह से पूरी दुनिया खत्म हो जाती है। अब इन्हीं सब चीजों को मेजर करने के लिए आदित्य L1 पर 7 इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं, जिन्हें 7 पेलोड्स कह सकते हो। पहला, विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ, शॉर्ट में वेल्क। ये कोरोना लेयर को स्टडी करेगा और कोरोनल मास इजेक्शंस को ऑब्जर्व करेगा। दूसरा, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, शॉर्ट में सूट। ये सूरज की फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर की इमेजिंग लेगा अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम में। तीसरा, सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, शॉर्ट में सोलेक्स। और चौथा, हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, शॉर्ट में हीलियोस। ये दोनों सूरज से निकली एक्सरेज को स्टडी करेंगे, स्पेशली सोलर फ्लेयर्स में जो एक्सरेज निकलती हैं। पांचवा, आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, शॉर्ट में एस्पेक्स। और छठा, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, शॉर्ट में पापा। ये दोनों सोलर विंड को स्टडी करेंगे। आखिरी पेलोड है मैग्नेटोमीटर, MAG, जिसका काम है मैग्नेटिक फील्ड्स को मेजर करना, वो मैग्नेटिक फील्ड्स जो इस L1 पॉइंट पर आ रही हैं। तो इन 7 में से 4 पेलोड्स डायरेक्टली सूरज को स्टडी करेंगे और बाकी 3 पेलोड्स उस L1 पॉइंट के आसपास मेजरमेंट्स लेंगे।
ये चीज अब आप समझ ही गए होंगे कि धरती से बाहर निकलना जरूरी है इन मेजरमेंट्स को लेने के लिए, क्योंकि धरती की एटमॉस्फेयर बहुत सारी रेडिएशन, एक्सरेज और अलग अलग चीजों को धरती के अंदर आने से रोकती है, जो कि इंसानों के लिए अच्छा है लेकिन एक्चुअली में स्टडी करने के लिए अच्छा नहीं। बाकी और सन के मिशंस की बात करी जाए तो साल 2018 में नासा ने पार्कर सोलर प्रोब लॉन्च किया था इन कोलैबोरेशन विद यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इसका मकसद था सन की जो कोरोना की लेयर है उसके साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बनाना। इसके अलावा एक सोलर ऑर्बिटर भी था जो नासा और ईएसए के द्वारा लॉन्च किया गया था 2020 में। सबका मकसद एक, कि हम सूरज को बेहतर समझ पाए और स्पेशली सूरज से बाहर निकलने वाली जो हानिकारक रेज है इन्हें हम बेहतर समझ पाए। यहां अगर आप जानना चाहते हो कि सूरज से निकली अल्ट्रावायलेट रेज इतनी खतरनाक क्यों होती है इंसानों के लिए, तो इसे मैंने एक्सप्लेन किया है ओजोन होल वाले वीडियो में, यहां क्लिक करके आप देख सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।